एवरीवन, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव। तो भाई आप सबके लिए गुड न्यूज लेकर आज मैं आई हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि जहां इन दिनों शादियों का सीजन है तो शायद मैं आपको एक और शादी की अनाउंसमेंट करने वाली हूं। वेल, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि आज हम शादी के बारे में नहीं बल्कि आप सभी के फेवरेट और पॉपुलर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के कमबैक के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि बहुत जल्द आपके प्यारी गुत्थी और डॉक्टर के नाम से, गुलाटी के नाम से मशहूर और बेसाब पॉपुलैरिटी गेन करने वाले हमारे सुनील ग्रोवर एक बार फिर अपनी पूरी टीम के साथ कमबैक करने के लिए तैयार हैं और वो आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं अपना बेहद इंटरेस्टिंग नया शो कानपुर वाले खुरानास, जिसमें कौन होगा स्टार कास्ट, किस तरीके से, किसका होगा लुक और कैसे करेंगे ये सब आपको एंटरटेन आज हम बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। और इस बार मैं मर्द हूँ। इस बार मैं एज ए जेंट्स हूँ। डॉक्टर तो मैं सारी जिंदगी हूँ, क्योंकि मेरे को दवाइयों का पता है कौन सी देवी है। बहुत बहुत वेलकम, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत। आप इतने तैयार मीडिया मैंने कभी नहीं देखा। तैयार मीडिया लगता है इसके बाद शादी में जाना होगा किसी एक्टर की, है ना। जितनी शादियां इस बार मीडिया वालों ने की हैं अटेंड, उतनी किसी ने भी नहीं की है। 10 तारीख को रिसेप्शन है, दर्जी के पास जाके आए कि नहीं जाके आए। 10 शादी की रिसेप्शन है, हैं? इतना तो अपनी रिसेप्शन में खुश नहीं हुए थे आप भाई। ये मीडिया वालों को मानना पड़ेगा है। फॉरेनर जीजा जी, अजीजा जी तो तुम नहीं मानते। बाकी मीडिया वालों ने जितनी शादियां अटेंड की है मेरे को लगता है किसी और ने नहीं अटेंड की। बैंड वालों ने भी नहीं की इतनी, है ना। बहुत शादियां हो रही है ना इस साल, सब लड़कियां तो बहुत हर रोज ही कोई ना कोई शादी, रिसेप्शन, बारात चली रही है। पर फंक्शंस भी बहुत सारे ना, फंक्शंस भी बहुत ये सारे। भाई साहब यहाँ बैठे हुए, इनको ये नहीं पता कि इनके टिफिन में क्या है, इनको ये पता कि इटली में दीपिका रणवीर की शादी में फूफा फूफी की प्लेट में क्या था, है ना। पनीर हुआ खत्म, रह गई तरी तरी दीपिका रणबीर की शादी में, तरी पार हो गए। तो मैं अपनी आवाज में बात कर रहा हूँ, ऐसा शो में मेरी आवाज है नहीं। मेरा नाम सुनील ग्रोवर है और मैं प्रमोद कुमार का इस बार कैरेक्टर कर रहा हूँ। वेशभूषा कुछ ऐसी है और ये पेट मैंने लगाया हुआ है। ओके, डोंट थिंक गर्ल्स दैट इज सो सुनील इज गॉन फैट। So, अभी भी सुनील पाजी कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल फिट एंड फाइन है। कीटो मतलब कीटो, यार मेरे को बता तो दिया गया मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, क्या बोलने वाले थे वीडियो में। चलो, इनको पता मीडिया वाले हैं, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर सेम कपड़े ना पहने हो तो ये अलग अलग देशों से लगती हैं। ये चार बहने हैं, मैं आपसे इनकी इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। कुछ तो मिसिंग है आपके। हाँ, ये सारे भाई बहन हैं और दो सालियां और है, एक्चुअली तीन है, एक मैनिकिन भी है। और ये जो ये ट्विंस हैं, हाँ, ये मैनिकिन सुगंधा भी एक साली बनी है और एक अदा खान साली बनी है, बीवी बनी है, सॉरी। मेरी बीवी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो अभी यहाँ आ नहीं सकी है, वो भी किसी स्टार की शादी में गई होंगी इस वक्त मेरे घर। लेकिन मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा दी, ये मेरी जो साली है, ये जो आपको लग रहा है इस वक्त बैठी हुई है, बैठी नहीं है, खड़ी है, ये एक्चुअली सूरी सर है, सूरी भाई, जितेंद्र सूरी, प्लीज गिव इट अप फॉर जितेंद्र सूरी। सूरी भाई मैना का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इसके अंदर, जो मैना है ये सबसे बड़ी बहन है और इसकी बड़ी एक खासियत है। ये क्या खासियत है तुम्हारी? वो लोग कहते हैं ना कि साली आधी घर वाली होती है, तो मैंने वो कहावत सिद्ध की है आपके लिए। अच्छा, ये आधी घरवाली है, ये साली आधी घरवाली है और ये साली चार गुना घरवाली है। ये नौशाद भाई है, नौशाद जी कैसे हैं आप? ये जेन्युइन लेडी नहीं है ये भी। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि ये एक ही जेन्युइन लड़की है यहाँ पे इस वक्त। तो नौशाद भाई, ये दोनों बेसिकली जुड़वा है, मैना और चिड़िया। चिड़िया शक्ल से चिड़िया, नाम चिड़िया है, डायनासोर लगता है ऐसा, लेकिन है एकदम बटरफ्लाई। बड़ा प्यार करता हूँ मैं, ये दोनों जुड़वा हैं। जब ये पैदा हुई ना तो मुझे लगा अकेले पैदा हुई है, फिर बाद में इसके यहाँ पे मस्सा था तो मस्सा थोड़ा थोड़ा हिलने लगा, तो बाद में मस्सा नहीं था, लेकर ये है, ये साथ में एक लड़की और है ये। तो
फिर हमने इनके पाँव में पाजेब पहना दी ताकि पता चले किधर जा रही है, किसी के पाँव के नीचे ना आ जाए। तो ये हैं बुलबुल। बुलबुल जी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ जीजा जी, आप सब साथ खड़े हो तो मैं हमेशा अच्छी होती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये कहती है ना कि साली आधी घरवाली होती है, तो मैं उस कहावत में बिल्कुल यकीन नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि जो साली होती है ना पूरी घरवाली होती है। अब क्या है कि मेरा नाम है बुलबुल, लेकिन मैं अपने पति को छोड़ के आ गई। हाँ पूरी घरवाली होती है, मैं भी साली को पूरी मानता हूँ, मदनपुरी, अमरीशपुरी, ओमपुरी ऐसे। हाँ ये ऐसा मानते हैं जीजा जी। आप भी ना बहुत ही इंटेलिजेंट है मेरे जीजा जी। क्या बताऊँ, मेरी शादी हुई थी, मैंने अपना पति का घर छोड़ के आ गई इसलिए क्योंकि उसमें एक भी क्वालिटी मेरे जीजा जी जैसी नहीं थी। मेरे जो जीजा जी है ना वो नाक से गुब्बारा फुला लेते हैं। हाँ और बड़े वाला भी। हाँ बड़े वाला। और क्या कहते हैं मेरे जीजा जी, जो नारियल होता है उसे बिना तोड़े खा जाते हैं। मेरे हस्बैंड वैसा नहीं था। और जीजा जी तो एनिमल लवर हैं, उनके सर में इतनी जुएं पड़ी हुई है ना, लेकिन कभी भी एक भी मरने नहीं देते हैं और दूसरों की जुएं भी अपने सर में डाल लेते हैं। जीजा जी आई लव यू। ये जू वाली बात तुम्हें किसने बताई? मैं करता हूँ ऐसे आप जू की कोई तुम मेरी प्रेज नहीं कर रही हो जुओं की दूसरी डाल के? मैं कोई बेवकूफ हूँ जुएं दूसरों की डालूंगा सिर में? ये जू है। सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, जीजा जी बोलते थे बताना मत। सॉरी जीजा जी, तुमने बताया बस, कोई बात नहीं, कुछ 10-12 करोड़ लोगों को आज रात पता चलेगा। हाँ और उधर है हमारी ये साली। साली क्या कहेगी? छोटा वाला है मेरे पास लेकिन कान बहुत बड़ा वाला है तुम्हारे पास। ये है चौथी। देखिए तीन ही नाम रखे थे हमारी मम्मी ने, उसके बाद कहती अब नाम क्या रखने, नंबर डाल दिए चौथी पांचवी छठी सातवीं। अम्मा जी थक चुकी थी तो उन्होंने कहा नामों के चक्कर में पड़े तो नंबर्स डाल देती हूँ, तो फिर मैं चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, फिर लड्डू, फिर लड्डू। बस अभी हम किसी मंत्री का वेट करें कि वो आए और हमारा नाम बदल दे बस। हमारी मम्मी का नाम बूंदी है ना, इसलिए उन्होंने हमारे भाई का नाम लड्डू रखा है। हाँ, बूंदी का लड्डू, बूंदी का लड्डू। आज वैसे अली भाई है हमारे, उपासना जी, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज उपासना जी, अली असगर साहब, और आज अली अली भाई का बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू अली भाई के लिए। हैप्पी रिटर्न्स। थैंक यू। आपके बर्थडे पे शो लॉन्च हो रहा है आज। वाह 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 वाह, मजा आया फैमिली से मिलके। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, पहला इंट्रोडक्शन है और बहुत ही मस्तीफुल शो होने वाला, ये तो मुझे दिख ही रहा है। एंड आई थिंक द यूएसपी ऑफ द शो इज द कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टर्स से पहले मैं वहां आती हूँ, थोड़ी बातचीत हो जाए। हाँ जी, इसके बाद डिस्को जाएंगे सीधा। हाँ जी। अच्छा आप कानपुर से? बाल आपके नेचुरली घुंघराले हैं या आपने करवाए हुए हैं? नहीं सब नेचुरल है, अनफॉर्चुनेटली सब नेचुरली है। लेकिन मुझे आप ये बताइए, आप कानपुर से हैं? आप कुछ मत बताइए बस, हम सब मुझसे पूछिए। हाँ जी। तो आपकी शादी कैसे हुई? ऐसे ऐसे चल के हुई, ऐसे तीर लगाए हमने, ऐसे हुई, और शादी कैसे होगी? और हनुमान अरेंज मैरिज थी, उसके बाद लव हुआ। अच्छा, और हनीमून सब ठीक ठाक गया? हनीमून हमने मनाया स्वेटरलैंड में। ओ स्वेटरलैंड में मनाया। हाँ। ओके, अब पता स्वेटरलैंड नहीं जीजा जी, स्विट्जरलैंड। तुम्हारे लिए होगा स्विट्जरलैंड, मेरे लिए तो स्वेटरलैंड है। इतनी ठंडा, मेरा तो स्वेटर ही नहीं उतरा, मैं तो पहाड़ देख के आ गया 7 दिन वहां पे। अच्छा जीजा जी मुझे बताइए, आपने दो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, जीजा जी और अम्मा, तो दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा है? अभी तो 2 ही दिन शूट किया है। अभी क्या फेवरेट? तभी भी एक तो होगा ना कि सॉफ्ट कॉर्नर। I always love ladies, no matter what. Oh. So the characters, women character. और मैं sorry guys, but I hate gents. So तो मेरे को सिर्फ ladies से बात करना, उनके कैरेक्टर प्ले करना, वही अच्छा लगता है। लेडीज मैन। अच्छा, और शादियों का सीजन है, दीपिका प्रियंका, तो एक बार तो भाई जहाँ हाल ही में आई खबरों के मुताबिक कि एक बार फिर से बड़े पर्दे पर, टीवी स्क्रीन पर एक और इंडियन कॉमेडियन किंग कपिल शर्मा भी करने वाले हैं बहुत जल्द कम बैक। तो ऐसे में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जहाँ एक साइड होंगे कपिल शर्मा तो दूसरी साइड होंगे सुनील ग्रोवर, आखिर किसके सीरियल को मिलती है ज्यादा पॉपुलैरिटी, कौन मारता है इस बार कॉमेडी की बाजी। लेकिन आपको सुनील ग्रोवर का ये कम बैक लुक कैसा लगा हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।